बताऊं यहाँ के बारे में, मतलब डिफरेंट क्या है, ट्विस्ट क्या है। अगर आपको कहे कि ये है फ्राइड मटन टिक्का, वेरी कंफ्यूजन। अब सीन पता क्या है, सो दे बारबेक्यू इट एंड उसके बाद ये फ्राई होने के लिए जाता है, एंड सेम हैपेंस विद मलाई टिक्का। You know, the best thing is that the way flavor changes. Yeah. After barbecue to the frying kadai. And it's very tender as well. Matlab tender from inside. Even more tender. Yeah. Yes. हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। आई एम इन दिल्ली, साउथ दिल्ली, लाजपत नगर, वेरी वेरी क्राउडेड एरिया, बढ़िया सी दुकानें आया, पीपल कम हियर फॉर मेनी रीजंस, और मैं पता क्यों जाता हूँ, खाना ढूंढने। और आज मैंने जो जगह खोजी है ना, जगह का नाम है पापाज ऑथेंटिक। बहुत सीनियर सर, 70 ईयर्स ओल्ड एंड ही इज पैशनेट अबाउट कुकिंग इवन इन द एज। पिछले 35 साल से अपने घर में अच्छा अच्छा खाना परोस रहे हैं, तो लोगों ने राय दी कि यार आप बाहर बेचो, पैसे कमाओ, पैशन को यूज़ करो, यूटिलाइज करो। पता है यहाँ का सीन क्या है, दे हैव अ लिमिटेड मेन्यू, बोले तो सिर्फ स्टार्टर्स हैं। बताओ यहाँ के बारे में, मतलब डिफरेंट क्या है, ट्विस्ट क्या है। वो ट्विस्ट ये है कि इनके यहाँ मिलता है मटन टिक्का स्पेशल। ये तो बात समझ आती है, टिक्का तो बारबेक्यू होगा, बट अगर आपको कहे कि ये है फ्राइड मटन टिक्का, वेरी कन्फ्यूजन। अब सीन पता क्या है, सो दे बारबेक्यू इट एंड उसके बाद ये फ्राई होने के लिए जाता है, एंड सेम हैपेंस विद मलाई टिक्का। पहले करेंगे उसको बारबेक्यू एंड देन फ्राई। अगर आपने सिर्फ टिक्का खाना है रेगुलर क्लासिक फॉर्म में, यू कैन हैव इट। कह रहे हाथों में जादू है, हाथों में शफा है। अच्छा जी, एंड सेम हैपेंस विद वेजिटेरियन। तंदूरी चापे खाओ, मलाई पनीर टिक्का खाओ, फ्राई करके खाओ, या जैसे को आपकी मर्जी। मिलते हैं ये सब चीज़ें, ऑर्डर करते हैं, थोड़ी गप्पे, थोड़ी शप्पे, थोड़ा प्यार, थोड़ा एंटरटेनमेंट और एक सच्चा रिव्यू। वीडियो के अंत तक बन रहे ना, बहुत पानी आएगा। चले गाइस, लाजपत नगर की ये मेन रोड है, एक छोटी गली जा रही है। वैसे आप गूगल में लोकेशन खोलोगे और आपके सामने आएगा व्हाट, पापाज ऑथेंटिक, और सामने देख रहे पापा ही खड़े ना। मिले, हेलो सर, कैसे हैं? Yeah, fine, great. Thank you, sir, अपने समय के लिए। You're welcome. बड़ी तारीफ सुनी from the family which is here. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hi, क्या हाल है आपके? You want a high five? What's your name? आरुष. आरुष. सर बड़ी तारीफ सुनी थी सर खाने की, कह रहे हैं आपके हाथों में कोई जादू है, फ्राई करते हो, बाबी क्यों करते हो, वेरी कंफ्यूजिंग, क्या करके आ रहे हो सर? मैं बस इम्प्रेस करने की कोशिश करता हूँ। राइट, अच्छा जी। हेलो मैम, सॉरी आई टेक द माइक। हेलो मैम, कैसे हैं आप? You related to the family, all of you, you said, yeah? I am his wife. अरे वाह जी वाह, अच्छा जी सर, लवली मैम, गुड टू सी यू। हेलो मैम, गुड टू सी यू एज़ वेल। अच्छा, अरे वाह, नॉट माय, भैया के हाथ का खाना। अच्छा, एंड एंजॉयिंग इट। आई होप यू ऑल नाउ गेट टू सी द गुड फूड। आई हैव पास्ड ऑन द फैमिली रेसिपी व्हिच माय मदर इन लॉ हैड इट फॉर व्हाट 50 इयर्स। अच्छा, एंड इट इज लाइक इट इज राइट अप लाइक, या अच्छा चलो आई विल ट्राई। ओके गाइस, जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस। लाजपत नगर में ऐसा सेटअप देखा है सर? ये सेटअप समझाओ सर। ये है मलाई चिकन टिक्का, मलाई चिकन टिक्का, उसके साथ है ये अपना मटन मलाई मटन टिक्का, ठीक है, एंड दिस इज पनीर मलाई टिक्का। अच्छा, एंड दैट्स अ मलाई चॉप, तंदूरी चॉप एंड मलाई, दिस ऑल तंदूरी बेसिकली। वेरी गुड, सो दिस इज ऑल द मेन्यू दैट यू हैव? या दे हैव दिस वन एंड देन वी हैव इवन रोल्स आल्सो। अच्छा, yeah, इसी के बेसिस पे बनते हैं ना, इसी के बेसिस पे रोल है। अच्छा, और द सेम थिंग वी हैव इन फ्राई आल्सो। अच्छा, या लाइक मेक इट लाइक मलाई चिकन टिक्का फ्राई एंड देन मटन टिक्का। बनाना चालू करें सर? हां हां, जैसे ही बनाएंगे दिखाएंगे, बिना लोगों को समझ आएगा। चलो भैया, कैसे, ठीक है? वेरी गुड। क्या बना सर? मेरा मलाई टिक्का फ्राइड स्पेशल दोनों, मटन टिक्का फ्राइड स्पेशल दोनों, तंदूरी चाप फ्राइड स्पेशल दोनों, और पनीर भी। ओके राइट, हाँ जी, बटर है सर। ये क्या लग रहा है, मलाई टिक्का मटन चिकन पे? हाँ, चिकन मलाई टिक्का है, बटर लग रहा है। तो ये कौन सा वाला लगा रहे हो, स्पेशल या फ्राइड? स्पेशल वाला सर। ठीक है, फ्राइड वाला भी लगाओगे? फ्राइड वाला भी लगाएंगे। ये फ्राई वाला? फ्राई वाला। ये प्रोसेस है अपना फ्राई करने का, मलाई चिकन टिक्का फ्राई। ठीक है, सो नाउ दिस इज डन, हाफ डन ऑन द बारबेक्यू, and now we'll put it into the frying pan. Isme dal ke isko fry karoge? We'll fry. Semi done ho gaya? Is semi. So one plate has 8 pieces. 8 pieces are there. Aur ye idea kaise hai sir, just to have it fried? You see, it has a different flavor. Hmm. All together different flavor. Hmm. Alag swad hai. Barbecue ka ek apna swad hai, charcoal, और उसके बाद जब फ्राई करते हैं हम इसको,
it adds up the flavor. Now, after this, there's another 2-3 steps which we are going to do it. पहले है इसको निकाल के हम जब उसमें डालेंगे वी गॉट टू टॉस इट विद द ग्राइंडर मतलब हरा धनिया एंड लिटिल बिट ऑफ वो तभी दिखाते हैं सर हां वो तब है ये मटन टिक्का इसके भी 8 पीस आते हैं सर हां जी इसके भी 8 पीस आते हैं ना हां ठीक है सो ये अभी आप अच्छा सो गाइस एक ज्यादा पूरा पूरा यहां को खोने के लिए एक ज्यादा हाफ डन होने के लिए और हाफ बाकी वहां होगा वहां पे बाकी वहां भी होगा हां ठीक है समझ गया ये सोया चाप हां मिक्स करेंगे अच्छा ये चिकन निकाल दिया फ्राई होके या या फ्राइड राइस चिकन आउट अच्छा चिकन आउट गाइस और इसे गार्निश होना बस अब या गार्निश पहले इसको कर दे और गाइस ये मटन टिक्का जा रहा है सो सबका प्रोसीजर सेम ही है हां या गाइस ये देखो ये भी हो गया डन मटन टिक्का अब इन दोनों की गार्निश दिखाएंगे चाप भी हो गई है एक सेकंड आया ये भी गाइस फ्राई होने जाएगी So unique is that how people experiment and if it's successful, to kaam manju. You know the best thing is that the way flavor changes. Yeah. After barbecue to the frying kadai. And it's very tender as well. Matlab tender from inside. Because more tender. Yeah. You know, for me to stand with sir, it's a kind of privilege in a way that pehle to obviously seniority hai. Secondly, food. Sir, food is a very common ground, sir. Why? Connects people, unites people. Makes people be together. Well, definitely. You believe in that, right? Yeah. पर उसने मजा आता है खाने से ज्यादा ये चीज ही ऐसी है कि people come together. Very good. सर ये फ्राई वाला पनीर टिक्का फ्राई ये फ्राई वाला फ्राई वाला सो जो सारा स्पेशल है वहीं पे होगा ठीक है सर नहीं जो स्पेशल होता है वो वहीं पे होता है यहां होता है और जो फ्राई वाला है वो बाजार होगा उसके बाद सेकंड प्रोसेस है फ्राइंग का हां उसके बाद फिर हम गार्निशिंग के लिए जाएंगे मैं समझ गया अपने सो सर ये नॉर्मल बारबेक्यू होंगे हां ये नॉर्मल बारबेक्यू क्लासिक होए क्लासिक अच्छा ठीक या योर होल फैमिली इज इन्वॉल्वड सो दैट्स लवली टू सी योर मैम अभी देखा ओ या सारे जाने हैं एवरीवन लव सारे सपोर्ट करते हैं आपको इवन कुकिंग अरे वाह सर आई एम श्योर समथिंग स्पेशल पहले इसको गार्निश करते हैं अपना ये अपना मलाई चिकन टिक्का बटर डाल के इसके अंदर थोड़ा सा ये गार्निश इसके साथ और थोड़ा चाट मसाला क्रीम सो ये भी मलाई टिक्का वाला ना हाँ ये हमारा फ्राइड मलाई टिक्का है और थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर स्प्रिंकल करके माइट यस जी वाह तो सर के वहाँ से इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे शेफ साहब सुने जा रहे हैं ये सुपर हिट हो रहा है एक्सपेरिमेंट सर लोगों के साथ कमर्शियली दे एंजॉयिंग इट पीपल लविंग इट अच्छा मटन में भी सेम काम होगा सर मे बी सेम थिंग वी जस्ट पुट सम लिटिल बटर इन दैट एंड अगेन दिस धनिया गार्निश विद दिस वन एंड लिटिल बिट ऑफ लाइम एंड द मसाला अच्छा क्रीम इसमें भी जाती है हाँ इसमें भी निकालते हैं इसको इससे क्या है कि थोड़ा सा वो एक डेलिकेसी हो जाती है उसकी एंड सोया चाप सर प्योरिटी का क्या हिसाब है सर चाप का Is it going to be pure? Because you know these days लोग मैदे का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं to bind it, but कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं आजकल लोग मैदा का इस्तेमाल. We are using the best quality of the materials. अच्छा. And we are not compromising on that. Even when you see the paneer and all that, you will not find this soft paneer at the places. Dairy जैसा है बिल्कुल जो नरम होता है. It's so soft and the best thing, the spices are right deep into that paneer. So from the inside, the flavors have gone inside. Very well. Normally, you see when you eat, you know, you find it's a hard inside and the flavors are not there. But in this one, you will see the flavors are right in it. Yeah. Deep into that. Yeah, you will see that. Very good, sir. Hi, ye garmi. Don't you get tired, sir, in the kitchen? Not really. Enjoy really. Wait for. I'm happy, sir, if you're saying that. Nice. So we are all the time in commercial kitchen shooting. And wo kadai hoga aage khada hona. हाँ जी अच्छा पनीर की बारी है सो ये पनीर में भी यही काम होगा है शेफ साहब यस ये तो पूरा पूरा मलाई पनीर टिक्का ही हो गया है धनिया धनिया मांगे है वेक जी पनीर मांगे मोर अच्छा यू गिव मोर दे विल जस्टिफाई यू दैट इन फ्लेवर्स भाई आपका नाम क्या है मेरा नाम शेफ राजीव है शेफ राजीव शेफ बताओ जो ये हो गए डन हमारे
जी बिल्कुल डन है। तो ये भी कर लो। सो गाइस ये नॉर्मल बारबेक्यू वाले हैं, प्लीज ये हम पहले करेंगे चिकन टिक्का मलाई। सो इसकी सेम गार्निश अलग है? इसकी भी सेम गार्निश है। तो फर्क क्या है? फर्क टेस्ट का है, बिकॉज वो फ्राई हुआ है। हाँ जी, इसमें चारकोल का अच्छा स्मोक आएगा। कितने सालों से कर रहे हो राजीव जी कुकिंग? 22 इयर्स हो गए। वेरी गुड, सारे तजुर्बे वाले खिलाड़ी अंडर द गाइडेंस ऑफ अशोक जी। व्हाट अ वंडरफुल थिंग टू सी, प्यार भरा चिकन मलाई टिक्का। ज़्यादा क्या बिकता है, टिक्के चिकन या मटन के टिक्के? दोनों बराबर ही बिकते। अच्छा, आपका क्या फेवरेट है पर्सनली? मेरा मटन टिक्का। मटन टिक्का, ये मेरी बिरादरी दे हैं ब्रो। ये है पूरा तंदूरी मलाई टिक्का। ये कौन से वाला हो रहा है जी पहले? ये चिकन मलाई टिक्का। फ्राइड नॉन फ्राइड? ये तंदूरी। तंदूरी वाला। कितना अजीब है ना टिक्के को बोलना फ्राइड नॉन फ्राइड। सो गाइस ये तीन फ्राइड है और ये तंदूरी वाला है। हाँ। मतलब तंदूरी। हाँ। ये तंदूरी स्लैश फ्राइड। फिर से जो इस तरफ से है पूरा लेफ्ट पे इट्स ऑल फ्राइड एंड बारबेक्यूड, इस तरफ से जो है वो बारबेक्यूड। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ पे टिक्को को फ्राई किया जा रहा है, और एक तरफ है जो क्लासिक तरीका है जिसमें जो टिक्के की फॉर्म में ही है। ट्राई करेंगे करने का तरीका बता देता हूँ। यू हैव द राइट कंपैरिजन, वील हैव फ्राइड टिक्के फॉर्म में और एक है जो सिर्फ टिक्के फॉर्म में है। तो स्टार्ट करते हैं चापों से, पहले लेते हैं नॉन फ्राइड मतलब तंदूरी। आ जाओ, ये है जी क्लासिक तरीका लेने का है टिक्को को, चापो को। आ जाओ जी, 3, 2, 1 सब्सक्राइब। फॉरगेट अबाउट कंपैरिजन, मैं चाप लवर बिल्कुल भी नहीं हूँ। करारी करारी चाप, उम्मीद से 10 गुना ऊपर मेरे। वाह, मज़ा आ गया। अब ये खाते हैं फ्राइड वाली, थोड़ा नींबू यहाँ भी कर लेते हैं। जूसेस देख रहे हो ये, क्योंकि ये फ्राई हुई है ना तो ऑब्वियसली ये थोड़ा इसमें जो ऑयल है ज़्यादा होगा, ज़्यादा टेंडर होगी। इट इज सच अ टफ कॉल, सच अ टफ कॉल। थोड़ी फ्राइड बेटर क्योंकि इट्स बीन फ्राइड एंड वी ऑल लव फ्राइड फूड, पर अच्छी बात है करारी करारी हो गई यार, मज़ा आ गया। मतलब उम्मीद से ऊपर ना जो पनीर पे, ये देखो जी ये है नॉन फ्राइड मतलब सिर्फ बारबेक्यूड। ये लो, ये पनीर लिया, ये प्याज लिया ऊपर। हाय हाय हाय, आ जाओ। यू नो वन इज कंपेयरिंग, वन इज द फूड इटसेल्फ एंड इट्स सो टेस्टी। पनीर सॉफ्ट, द मैरिनेशन ऑफ क्रीम इज नाइस, इट्स नॉट ओवरलोडेड, द स्पाइसेस आर करेक्ट, धनिया दुनिया ऊपर डाल रखा है, पनीर लवर्स के लिए अमेजिंग है। और मेरे रिव्यू को ना जेन्युइनली लेना, मैं ना बात इधर की उधर नहीं करता। बहुत लोग कमेंट में जो कहते हैं ना हर में तारीफ करते हैं, अरे मैं बड़े सोच के जगह पे आता हूँ, आपको पता नहीं शूट से पहले कितने हम R&D करते हैं, ऐसे तो ना कहीं का भी ब्लॉग बना देंगे और वो गलत जगह सजेस्ट कर देंगे। खा जाओ, ये है जी फ्राई वाला पनीर। हो ट्राई करें। ओके, आई लाइक द बारबेक्यू वन मोर। तो पनीर में फ्राई करते हैं सॉलिड हो जाता है, इट्स टेस्टी बट दोनों दोनों में अच्छा है। वैसा आप ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि जब मटर पनीर घर में बनते हैं ना तो दो तरह की ऑडियंस होती है, कच्चे पनीर वाली और एक फ्राई वाली। जो तो फ्राई वाली वो खा लेना, एग्जाम्पल दे सो जल्द जल्दी। ओके तंदूरी, हाँ जी ये है जी तंदूरी मलाई टिक्का, ये देखो खाएँ इसको। ऑलराइट, सब छोड़ो फ्राई, वैसे बड़ा स्वाद है यार खान मार्केट में जो खान है उसका नाम भूल रहा हूँ। सबको पता खान मार्केट टिक्के वाला कौन है, एग्जैक्टली लाइक गोजर, मज़ा आ गया। और ये जी फ्राइड वन, आई लाइक बोथ ऑफ देम बट दिस हैज टेकन टू चार्म। मैं सच जा रहा हूँ अपने आप में खाने में मज़ा आ रहा है, जाके मेरा सीरियसली बता रहा हूँ। आ जाओ जी, आ जाओ,
एक छोटी बाइट लेने का मन है, टिकेगी अगेन, रुका नहीं जा रहा। रुमाली दी है ना, ये देखा, हर दिल्ली वाले का शौक, रुमाली और टिक्के, साथ में हरी चटनी। मज़ा आ गया, मैटे आ गया, ब्यूटीफुल, सबका फेवरेट। आ जाओ जी, मटन टिक्का। गुड जॉब पाए थे हम यार, अंकल का एक्सपीरियंस दिख रहा है, पता है सर, मटन कैसे इतना अच्छा कुक कर लिया उन्होंने, बहुत चूई होता है मटन टिक्का, इट्स नॉट राइटली कुक, इट्स नॉट चूई, आराम से खाया जा रहा है, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मटन टिक्के की है, पीस सूख जाता है, बिल्कुल नहीं है, फ्लेवर राइट, एप स्मोकी स्मोकी फील। और आ जाओ, ये है जी इनका फ्राइड वाला वर्जन, हाँ हाँ, मुँह में मुँह में डाल के खाएंगे, हाथ से नहीं निकलता मटन। इक्वली इनफैक्ट इसका फ्राइड गेम कर रहा है, सी कहने मतलब पता क्या, ये फ्राइड ऑमलेट टेंशन मत लो, सीधी सी बात है, दो तरह के टिक्के हैं, एक है तंदूरी एंड फ्राइड और एक है सिर्फ तंदूरी, गेम खत्म, मज़ा आ गया, साथ में दिए फिर नहीं, देख रहे जी, वापस जाओ जी, आ गया। ब्रिलियंट, गुड जॉब, सर को तारीफ करनी पड़ेगी, पापाज ऑथेंटिक वंडरफुल फूड, ट्राई करना, आई थिंक हैप्पी हैप्पी, जितना खाता खाता हूँ, एक्चुअली वीडियो एंड करो, पापाज ऑथेंटिक लाजपत नगर में, डिस्क्रिप्शन में लोकेशन एड्रेस पासिंग कॉन्टैक्ट नंबर सारी डिटेल्स होंगी, इंस्टाग्राम पे रोडा शो एंड फेसबुक शो रोडा ब्लॉग्स लिखेंगे, वहाँ भी फॉलो कीजिए, दैट इज इट, बहुत जल्द मिलूंगा, टेक केयर, हैव फन।